रॉब होम्स का स्पेशली ये चीज़ है, और ये मेंटल स्टिमुलेशन बढ़ाती है डॉग की, क्योंकि डॉग्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, विद न्यू वीडियो ऑफ मफिन। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, कैन बीगल च्यू बोन्स? क्या बीगल बोन्स खा सकते हैं? सो बीगल्स कैन हैव बोन एज लॉन्ग एज दे आर अनकुक्ड। यानी कि अगर आप बोन उसे दे रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो बोन पकी ना हो, क्योंकि पकी बोन्स बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है बीगल्स के लिए, और आफ्टर कुकिंग वो काफ़ी हार्ड भी हो जाती है, जिससे कि उनके गले में अटक सकता है, और प्लस ऐसे वो चोक हो सकते हैं और बीमार पड़ सकते हैं। सो अगर आप सोच रहे हैं अपने बीगल को हड्डी देने के लिए, सो आप उन्हें प्रेफर कर रहे अनकुक्ड। सो जो रॉ मीट में जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं डॉग्स के लिए, और ये इजीली उसे च्यू कर सकते हैं, और सेफ भी होती है, प्लस ये इजीली डाइजेस्ट भी हो जाती है। अपने बीगल्स को कभी भी आप कुक्ड बोन्स ना दें, ये हार्ड हो जाते हैं, बिट्रेल हो जाते हैं, ईजिली ब्रेक भी नहीं हो पाते हैं, प्लस पोटेंशली ये डेंजरस भी हो जाते हैं कहीं ना कहीं बीगल्स के लिए। वट आर द डेंजर्स ऑफ बोन्स? सो डेंजर्स जो बोन्स के होते हैं, स्पेशली जो कुक्ड बोन्स होती हैं, उनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बीगल्स की हेल्थ पर, और ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। सो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप डिसाइड करें कि आपको एग्जैक्टली कौन सी बोन देनी है। कभी भी कुक्ड बोन ना दें बीगल को, कोशिश करें कि आप रॉ बोन दें। सो रॉ बोन का जो है कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, दे आर रियली गुड फॉर देयर हेल्थ। और रॉ बोन्स का स्पेशली ये चीज़ है कि आराम से बीगल खा लेता है, सॉफ्ट होती है, च्यूएबल होती है, और इनका जो पोटेंशियल होता है ब्रेकिंग का, वो इजीली ब्रेक हो जाती है एज़ कंपैरेटिवली कुक्ड बोन। कुक्ड बोन देने से पहले आपको इन तीन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और इन तीन चीज़ों को माइंड में इसलिए भी रखना पड़ेगा आपको, ताकि आप कभी भी अपने डॉग को कुक्ड बोन ना दे सकें। फर्स्ट पॉइंट ये है, कुक्ड बोन जो होती है उसके शार्प एजेस होते हैं। ऑफकोर्स बोन्स जितनी भी होती हैं उसके शार्प एजेस होते हैं, और कुक होने के बाद बोन हार्ड हो जाएगी, जिसके कारण जब डॉग उसे तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसके माउथ में भी लग सकती है, उसको उसकी टंग भी कट सकती है, इंजरी हो सकती है। सेकंड पॉइंट, जब बोन को कुक किया जाता है तो वो ऑफिस से बात है हार्ड हो जाएगी, जिसके कारण दांत भी टूट सकते हैं। सो माउथ इंजरी, दांत टूटना ऑलमोस्ट सेम ही है, कोशिश करें सेकंड पॉइंट भी आपके दिमाग में रहे। थर्ड पॉइंट इज, शार्प पीसेस हो जाएंगे उसके, और उसको स्वॉलो नहीं कर पाएगा डॉग, और ब्लॉकिंग भी हो सकती है, और उसके विंड पाइप में भी जा सकता है, जिससे कि इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। जब वो अंदर जाएंगे पीसेस तो कहीं ना कहीं वो इंटरनल ब्लीडिंग कर सकते हैं शार्पनेस के वजह से। अगर वो माउथ में इंजरी कर सकते तो ऑब्वियस सी बात है इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, इंटरनल इंजरीज भी हो सकती है। तो ये तो थे बैकड्रॉप्स ऑफ कुक्ड बोन। बेनिफिट्स क्या हैं रॉ बोन के? सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रॉ बोन? फर्स्ट ऑफ ऑल, रॉ बोन इज ईजिली च्यूइंग, और ये एक्शन प्रोवाइड करता है मेंटल स्टिमुलेशन फॉर डॉग, और च्यू के वजह से लाइक इजी होता है वो रॉ बोन चबाना, और सॉफ्ट होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे उनको कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन सी फीलिंग आती है, वो काम रहते हैं और फोकस्ड रहते हैं अपनी चीज़ों में। सो रॉ बोन देने से कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ भी अच्छी होती है, मेंटल स्टिमुलेशन बढ़ता है उनका। अनदर बेनिफिट इज प्रोटीन। डॉग को रॉ बोन से काफ़ी अच्छा प्रोटीन मिलता है, क्योंकि बोन मैरो होता है बोन्स में, और वो खाने से इनको अच्छा खासा प्रोटीन मिलता है।
बोन मैरो हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन डॉग्स हेल्थ, और बोन मैरो उन्हें जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो प्रॉपर मिलता है बोन से. लाइक बोन के अंदर आपने देखा होगा, कभी नोटिस किया होगा कि थोड़ा बहुत कुछ मटेरियल होता है अंदर फिल्ड, सो वो चीज़ को बोन मैरो कहते हैं. और बोन मैरो इज़ क्वाइट अ गुड थिंग, एक प्रॉपर प्रोटीन कह सकते हैं डॉग्स के लिए, वो बोन मैरो से ईजिली मिल जाता है. सो दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट कैन बीगल च्यू ऑन बोन्स, और आपको मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में. And till then, don't forget to subscribe our channel, like our videos, share videos with your friend and your family, and also don't forget to hit the bell icon. Aur hum aapko milte hain next video mein. Muffin. Khani bun. Bun khana hai. Have it. Bye bye.